हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कंपोजिशन डिलर और रेगुलर डिलर के बारे में, और इसके साथ साथ हम सीखने वाले हैं दोनों में अंतर क्या है, रेगुलर के लिए क्या रूल बनाए गए हैं, कंपोजिशन के लिए क्या रूल बनाए गए हैं। आज एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि रेगुलर डीलर होता क्या है। एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर देते हैं। मैंने बताया था रेगुलर डीलर के लिए ऐसा रूल बनाया गया है कि ऐसा व्यापारी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है वह रेगुलर स्कीम में जाता है, रूल है, अनिवार्य रूप से जाना पड़ेगा। उससे कम है कंपोजिशन में भी जा सकता है और चाहे तो वह रेगुलर में भी जा सकता है। मैंने ये भी बताया था रेगुलर डीलर को टैक्स देने का रूल होता है, जीएसटी पेबल इक्वल टैक्स लाइबिलिटीज माइनस आईटीसी। हाँ, यह टैक्स खरीदते समय देता भी है और बेचते समय लेता भी है, इसको आईटीसी प्राप्त भी होता है। लेकिन हमने कंपोजिशन डीलर के लिए बताया था इनको टैक्स जो देने का प्रोसेस होता है बस टर्नओवर का 1% देना होता है, प्लस इनको आईटीसी प्राप्त नहीं होता है। ये टैक्स इशू नहीं कर सकते हैं इनवाइस और ना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कंडीशन हमने पिछले क्लास में समझाया था, बताया था। चलिए इसको समझने के लिए एक हम एक डायग्राम समझते हैं जिससे और बेटर तरीके से समझ आएगा। क्लियर? देखिए, बताया जा रहा है कंपैरिजन बिटवीन कंपोजिशन डीलर एंड रेगुलर डीलर। अब यहाँ पे देखो लिखा गया है कंपोजिशन डीलर और यहाँ पे लिखा गया है रेगुलर डीलर। ध्यान सुनना, कंपोजिशन डीलर का टेबल लिया है और रेगुलर डीलर का टेबल लिया है। अब सपोज मान लीजिए मैं रेगुलर डीलर हूँ और आप कंपोजिशन डीलर, समझना, मैं रेगुलर डीलर हूँ और आप कंपोजिशन डीलर, आप हम और आप दोनों कहीं से चले गए और प्रोडक्ट कोई खरीदा, परचेज किया, वह प्रोडक्ट परचेज कितने में किया? 25,000। मतलब कंपोजिशन डीलर परचेज किया कितने में? 25,000। और रेगुलर डीलर भी परचेज किया, यहाँ पे गलती मैंने सुधरवाया था आपको, यहाँ पे भी कितना है कि 25,000 यहाँ पे। मतलब ध्यान देना, जो रेगुलर डीलर खरीद रहा है इसका भी परचेज प्राइस है 25,000 और कंपोजिशन डीलर है उस आइटम का परचेज प्राइस है 25,000। मतलब दोनों मार्केट में गए और वो सामान को जब खरीदे तो दोनों के लिए समय नहीं है। देखिए, दोनों को उसी रेट में हमने सामान बेचा, मतलब कंपोजिशन डीलर आया तो भी 25,000 में खरीदा और रेगुलर डीलर तो भी 25,000 में खरीदा, दोनों बराबर। चलिए, अब दोनों चले गए अपने यहाँ पे अपने गोदाम अपने शोरूम। चलो, इस पे जीएसटी चार्ज जो हुआ था कंपोजिशन डीलर पे कितना? 5%। तो टोटल वैल्यू आया था 1,250 रुपया और रेगुलर डीलर का जीएसटी चार्ज हुआ था 5%, इसका भी आया था 1,250 रुपये। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो बराबर, क्या बाबू? यहाँ तक बराबर, मतलब यहाँ भी 1,250 टैक्स दिया कंपोजिशन ने और रेगुलर ने भी 1,250 रुपये टैक्स दिए। क्लियर है ना? लेकिन मैंने बताया था कि जो कंपोजिशन डीलर है इसको यहाँ पे 1,250 रुपये का आईटीसी नहीं मिले और यही पे जो रेगुलर डीलर है 1,250 रुपये का आईटीसी रिसीव होगा। वाला अंतर समझ में आया? अब देखो, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंपोजिशन डीलर के लिए टोटल जो कॉस्ट हो गया 25,000, 1,250, 26,250। कंपोजिशन डीलर के लिए कॉस्ट कितना हो गया? 26,250। और उसके बाद से कंपोजिशन डीलर के लिए कॉस्ट हो गया 26, नहीं, हाँ यहाँ पे गलती है, रेगुलर रहेगा, क्या रहेगा? रेगुलर रेगुलर डीलर का टोटल कॉस्ट हो गया वह है 26,250। देखो यहाँ पे दोनों का बराबर है, मतलब ये भी खरीद के लेके आए कितने में? 26,250 रुपये में। कौन? कंपोजिटर। और रेगुलर खरीद के लाए कितने में? 26,250 रुपये। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब चेंज कहाँ पे होता है समझिएगा। अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि जब कंपोजिशन डीलर उस पे अपना प्रोफिट करेगा तो टोटल वैल्यू पे प्रोफिट करेगा कितने पे? 26,250 रुपये। तो देखो,
यार 26 26 क्या है, 2625 रुपये, मतलब 2625 रुपये। लेकिन ये भी 10%, ये भी मार्जिन 10% रखे, तो ये जो मार्जिन रखे है ना, ये 26,250 रुपये रखे, तो 2625 आया। लेकिन रेगुलर डीलर को मार्जिन रखा है, इस वाले बैंक को नहीं रखा है, गवर्नमेंट का तो नहीं। तो आपको आईटीसी मिल जाता है, तो जो मार्जिन करोगे ना 25,000 पे ऐड करो, क्योंकि आईटीसी तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, इसके ऊपर जोड़ोगा तो देखो वही बैंक कितना हो गया आपके 2500 रुपये। देखो मतलब जब इन्होंने मार्जिनेट किया तो यहीं पे हुआ 2625 रुपया हो गया, और इन्होंने मार्जिनेट किया तो 2500 रुपया हो गया। अब कहो सर फायदा क्या है, देखो यहीं पे इनको 1250 रुपये का आईटीसी नहीं मिलेगा, और यहीं पे इनको आईटीसी 1250 रुपये मिल जाएगा। लेकिन अंतर क्या है, अभी थोड़ा सा समझ लो तो आगे बताते हैं। अब देखो, अब कंपोजिशन डीलर से अगर कोई कस्टमर खरीदता है, तो सेल प्राइस होगा डीलर कॉस्ट प्लस मार्जिन। तो डीलर कॉस्ट कितना था, 26,250, मार्जिन कितना था 2625, टोटल कितना हो गया 28,875। बोलो मतलब खरीदा था इतने में, मार्जिन ऐड कर दिया इतना, टोटल कितना हो गया 28,875। लेकिन यहां पर देखो, अब सेल प्राइस किसके लिए, रेगुलर के लिए, परचेज प्लस मार्जिन। परचेज कितना में किया था, 25,000, मार्जिन कितना हुआ था 2500, ये टोटल आ गया 27,500। देखो अब इनके लिए आ गया 28,875, और इनके लिए आ गया 27,500। लेकिन अब कस्टमर तो दोनों लोग बेचेंगे ना, तो चलो ये भी कस्टमर को बेचेंगे, तो यह बेचेंगे तो 28,875 रुपये का, तब तो कहा जाएगा जीएसटी टैक्स, कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स। क्या मतलब है, मतलब कंपोजिशन डीलर को टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा रूल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो कस्टमर जो खरीदेगा, एक मतलब जीरो टैक्स आ रहा है, तो कस्टमर का जो प्राइस हो जाएगा 28,875 हो जाएगा। क्लियर है? और चलो अब यही देखो, इनका टोटल जो पड़ा था 27,500। अब यह क्या करेंगे, जब यह कस्टमर को बेचेंगे तो जीएसटी ऐड करेंगे, कितना परसेंट, 5%। आईटीसी भी मिल रहा है, जीएसटी भी जोड़ रहे हैं, कितना 1,375 रुपये आ गया, जोड़ना तो आ जाएगा 27,500 का 1,375 आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो देखो अब 1,375 और 27,500, तो कस्टमर का जो प्राइस हो जाएगा जाएगा 28,875। मतलब क्या पता चला, अब हम चाहे कंपोजिशन डीलर से खरीदें चाहे रेगुलर डीलर से खरीदें, तो हमको तो उतना ही देना है, 28,875, 28,875 का। जब मार्जिन सेम हो, मान लो कि 15% मार्जिन ऐड कर लेता है, तब कम ज्यादा हो। लेकिन अगर मार्जिन दोनों का सेम है, तो समझ जाओ चाहे दूसरे से किसी से खरीदें, हमारा अमाउंट कितना होगा, बराबर होगा। अब कहो सर हमें क्या फायदा है, तो एक आम जनता को कोई फायदा नहीं, इतना टैक्स देना था दे दिया, तो पैसे दे दिए हम कंपोजिशन डीलर से खरीद रहे तो नहीं दे रहे हैं। अरे यार टैक्स लगाने के बाद भी 28,875 दे रहे हैं, और नॉन लगाने के बाद भी 28,875 दे रहे हैं, अब कहो सर क्या फायदा, तो समझने की कोशिश करना क्या बता रहे हैं। फिर से देखो, अब कह रहा है टैक्स कैसे देंगे गवर्नमेंट को, टैक्स सेवर मतलब टैक्स सेवर 1% ऑन टर्नओवर, तो 28,875% आ जाएगा 289। ठीक है, और इनका जो देंगे टैक्स, देंगे टैक्स पेबल, टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, कितना दिया है 1,375 रुपये, कितना दिया है 1,250। कुछ समझे? अब देखो मतलब यह दे रहा है 289 और यह दे रहा है 125, लेकिन ये भी तो समझो, इसको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं, इनको हर महीने रिकॉर्ड देने की जरूरत है बिल वाइज डाटा के साथ, तो टेंशन भी ज्यादा है, सैलरी भी अलग से देना है, कंप्यूटर का मेंटेनेंस का खर्च अलग से लगेगा, तो वो पैसा ज्यादा हो जाता है, कुछ समझे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट को तो चाहिए कितना, टोटल टैक्स 1,375 रुपया नहीं जी, यही तो चाहिए। तो अब कैसे आता है, तो ये तो दिख रहा है कि 1,250 रुपये दे दिया था एक बार,
और 125 तो 1375 मेरे पास आ गया, लेकिन अब कंपोजिशन वाला कैसे जाएगा? तो समझ ना, कंपोजिशन वाला ऐसे कुछ जाता है। तो देखो जो 1250 रुपया है ये ITC को गवर्नमेंट नहीं देता, तो 1250 रुपया यह समझे, और 1250 रुपये यह, और 2625 रुपये जो दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 25, तो बताओ यहाँ पे 25, 125 निकल के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ दोगे 125 और इतना कितना हो जाएगा 1375। अरे यार ये गवर्नमेंट का तो हमारे पास आ गया, हम नहीं देंगे तुमको ये पैसा 1250 कंपोजिशन समझे। और यहाँ पे जब मार्जिन इसी पे टैक्स के ऊपर पे है, तो 2625 लिया ना इन्होंने, और इन्होंने कितना लिया 25, तो ये इसी में टैक्स भी जुड़ा था ना, तो यहाँ पे निकल के आएगा कितना 125। अब 125 गवर्नमेंट एक बार ले लिया 1250, और एक बार यहाँ पे 125, तो टोटल कितना हो गया? मतलब कस्टमर के लिए टैक्स वाला इतना ही देना पड़ेगा ना 1375। तो गवर्नमेंट कहता है इस हिसाब से मैं काम करूँ, मतलब उसको जितना चाहिए यूजर से वो ले लेता है इधर से उधर से घुमा के। अरे हमसे उतना ही तो लेगा, टैक्स को बट टैक्स जोड़ दिया, हम हमको 1375 दे दिया, और वो भी वहां पे टैक्स दिखा के थोड़ा 1375 दे दिया। मतलब गवर्नमेंट किसी से भी खरीद लो, चाहे कंपोजिशन से चाहे रेगुलर इतना लेना बराबर है, लेकिन यही है ये दिखाता नहीं है और ये दिखाता है, ये कहता बाबू उसी पे छोड़ देना। अरे इनको फायदा तो हुआ है ना जी कितना, अरे 2500 रुपये तो फायदा हुआ ही हुआ है जो मार्जिन ऐड किए हैं। तो बोलो ये गवर्नमेंट नहीं खत्म लेंगे, कौन ले रहा है 1250 और ये इधर का 125, कोई 1375 पे ले ले, अब अलग इसका रूल है, तो यही मैंने रूल समझाया ठीक है। तो गवर्नमेंट का तो फरसान मत होना, बस करेंट रेट, क्योंकि इसी में टैक्स सब कुछ है, तो बस इसी में 289 ले ले तो समझे, और उसके बाद से टोटल ये लेंगे 125। तो आप बताओ 125 और 1250 कितना हो गया फिर से 1375। गवर्नमेंट को यही तो चाहिए, एक बार खरीदे तो 1250 दे दिए और बेचे तो माइनस करो कितना दे दिए 125, तो 125 तो 1250 कितना हो गया 1325 और 75, तो इनसे भी उतना ही ले लिया और उससे भी उतना ही ले लिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब। तो हमको क्या समझना है, अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसके बारे में जान रहे हैं, हमको कोई फायदा नहीं है ये काम, इधर को कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट सुविधा के अनुसार तो सर्विस दे रहा है, जो जिसमें आना चाहता है आता है। हाँ फायदा तो पोजिशन का यही है, हर महीने टेंशन नहीं लेना है, किसी को रखना नहीं है, कंप्यूटर का खर्चा रहेगा, रेगुलर का यही है, बड़ा व्यापारी को देगा कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करवाएगा समझे। तो ये सुविधाजनक होता है और ऐसे ही चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो छोटे व्यापारी को हमेशा जाना चाहिए उनको कंपोजिशन, और जो बड़े व्यापारी उनको हमेशा जाना चाहिए रेगुलर में, क्योंकि उनका बहुत सारे काम होते हैं और नॉर्मल नहीं हो पाएगा और दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा फायदा लिए ज्यादा नुकसान, लेकिन आम जनता को कोई फायदा नहीं, जितना टैक्स देना देगा चाहे इधर से चाहे उधर से। क्लियर है? नहीं सुनाया? अरे इतना समझो, वो टैक्स नहीं लेता है लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स जोड़ देता है, उसी का मार्जिन ऐड कर देता है, ये कहता टैक्स छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आईटी को मिल रहा है, और जितने में खरीदो उसका मार्जिन ऐड कर देते, बस अमाउंट बराबर लास्ट में दोनों के बराबर आए चाहे किसी से खरीदो, ये समझाने के मैं एग्जाम्पल दिया, और दोनों का रेट सेम रखा हूं मैं, पढ़ाया ना एटीएम का रूल, चाहे कोई भी खरीदे टैक्स का रूल क्या होता है, आइटम पे फाइव है तो फाइव कोई भी खरीदेगा, चाहे कंपोजिशन चाहे कोई भी खरीद, 12% तो 12%, चाहे किसी भी स्टेट का 18 तो 18%, ऐसा तो है नहीं कंपोजिशन के लिए 12% हो जाएगा, रेगुलर के लिए 5% हो जाएगा, हाँ सबके लिए इक्वल समझे। अब भले ही मान लो ज्यादा आपसे बनता है, वही सामान आपसे 24,000 में खरीद ली, वही सामान हम 25,000 में खरीद ली समझे, वो अलग बात होती है, सामान आप मार्जिन ऐड कर रहे हैं 10%, कोई कर रहा है 15%, तो ज्यादा कमाएगा वो जो 10% ऐड किया वो कम कमाएगा, गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कहता है ना कि जिससे खरीदना रेगुलर वाले तुम भी 25,000 में खरीदना और कंपनी तुम्हें 25,000 में खरीदना,
बतियाने में माहिर है, हम 25 हजार का 24 हजार में खरीद सकते हैं, समझे। कोई सामान पूरी 25 हजार का, 25 हजार में देकर चलाएगा, ठीक है। अगर नहीं बात करने का उसको तरीका आता है, 26 हजार का आएगा, 25 हजार दे देगा, 25 हजार पहले गया उसका, ठीक है। तो अलग बात है, वो भी हम बेचने और पैसे नहीं जाएंगे, तो हमारी मार्केट दुकान कम है, तो हम 10% मार्जिन कर लिए, ठीक है, और बहुत ज्यादा है 7% मार्जिन कर लिए। कंडीशन के आधार पर, जैसे मान लो अभी कपड़े का चल रहा सीजन है, स्वेटर ज्यादा बिका जा रहा है, कोट ज्यादा, अभी जो लास्ट में क्या करेंगे, तो ये जो 700 में बेच रहे हैं वो गए 500 में ले जाए, क्योंकि खपाना चलो जितना आ गया, बेच 1 साल का, फिर तो नए साल में नया मॉडल लेके आएंगे, नए सिरे से बेचेंगे, ठीक है। 3 साल कमाएंगे भी, एकदम ठंडी चल रहा है, जो जोर शोर से, इसमें एक भी रुपये छूट नहीं करेंगे। अभी ये कोई एक बात देखना, जो माल बचेगा कहीं फोन वापस करने जाएगा, फिर अगले साल पता नहीं कौन कौन सा तरीका आ जाएगा, सब लोग मॉडर्न जमाना आ गया, ठीक है, तो नया नया खरीद रहे हैं, तो बढ़िया, चलो जो है बेच दो इसका, तो जो क्या करते हैं लास्ट में खरीद, चलो अगले सप्ताह नहीं, सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन है, वही प्रोडक्ट हम लोग अलग अलग कंडीशन में खरीद सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अलग अलग रूल होते हैं, कंडीशन होते हैं, सब। हाँ, अगला प्रोसेस सीखने वाले हैं, तो देखिए अगला है इनवॉइसिंग। क्या है बाबू? इनवॉइसिंग। तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करना कि इनवॉइस होता क्या है, और इनके कितने टाइप होते हैं, और टाइप का क्या यूज है, कब दिया जाता है इनवॉइस, वह एक ही करके स्टेप बाई स्टेप सीखने वाले। क्योंकि इनवॉइस का मतलब सिंपल है कि वह रिसिप्ट जिसपे उस प्रोडक्ट का डिटेल रहता हो, कि कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं, क्या डेट है, कितने रुपए खरीद रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या है, कितना परसेंट जीएसटी है, उस इनवाइस में मेंशन रहता है। हाँ, वही बिल जो हमको मिलता है उसे बोलते हैं इनवाइस, कि लोग अब इनवाइस का एंट्री कर दो, और इस बिल का एंट्री कर दो, बिल का एंट्री कर दो, कहते इनवाइस का एंट्री कर दो। तो जब जीएसटी में सिस्टमेटिक तरीके से बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि इनवाइसिंग किसी भी टैक्स कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है। जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। पहला टैक्स इनवॉइस, दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। मतलब जो हम लोग जीएसटी में टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, दो टाइप के करते हैं, मतलब इनवॉइस इशू करते हैं दो टाइप के, क्या क्या, एक टैक्स इनवॉइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। अब टैक्स इनवॉइस को यह समझने की कोशिश करना, अब बिल ऑफ सप्लाई को देखो, बताया जा रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना, उसको समझने की कोशिश करना। मतलब एक व्यापारी और उसका जीएसटी में क्या है, रजिस्ट्रेशन है, और किसमें, रेगुलर डीलर। तो रेगुलर डीलर में है तो टैक्सेबल गुड्स क्या समझाया था हमने, बताइए, जिस पर टैक्स लागू होता है, अगर टैक्सेबल गुड या सर्विस को सप्लाई करता है, उसे अनिवार्य रूप से क्या कहा गया है, कि आप बाबू टैक्स इनवाइस इशू करो। क्या इनवाइस इशू करो? टैक्स इनवाइस इशू करो, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ है, आप जो माल बेच रहे हो टैक्सेबल गुड और सर्विस है, तो आपको जो बिल हमको दोगे बना के, उस बिल पे लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस, मतलब आपने टैक्स कलेक्ट किया है, उसी लिए टैक्स इनवाइस आपने दिया है, तो समझे, ऊपर मेन हेडर पे टैक्स इनवाइस। और कहा जा रहा है बिल ऑफ सप्लाई का, बिल ऑफ सप्लाई में भी दो कंडीशन में इशू करना होता है, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया। क्या मतलब, यह रेगुलर डीलर है लेकिन ऐसे गुड को सप्लाई कर रहा है जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं है, मतलब एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड मतलब क्या है, इसमें जीएसटी टैक्स नहीं है, तो उसके लिए क्या इशू बनाएंगे, बिल ऑफ सप्लाई। और दूसरा कंडीशन क्या है, तो बोला गया है कि कंपोजिशन डीलर, कह रहा है जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड सप्लाई किया जाए, मतलब कंपोजिशन डीलर के लिए रूल बनाया गया है, चाहे आप टैक्सेबल बेचोगे या एग्जेम्प्टेड बेचोगे, दोनों ही कंडीशन में आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करो। अब कहो सर क्यों? क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ाया है, ये जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता है, तो कैसे टैक्स इनवाइस,
बोला गया चाहे तो सेवल गुड्स हो चाहे गिफ्टेड गुड्स हो, दोनों ही कंडीशन में आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। कुछ समझे? चलिए इसको एक टेबल के सहारे समझते हैं। तो टेबल देखिए नीचे बनाएगा, अभी यह अगले क्लास में समझेंगे। बोला गया है कि टाइप्स ऑफ बिलर, टाइप्स ऑफ गुड्स और टाइप्स ऑफ इनवॉइस। तो कहा जा रहा है जब रेगुलर डीलर किसी टेबल गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है तो वह टैक्स इनवाइस इशू करे। क्लियर है? फिर से, जब रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस को सप्लाई करेगा तो उसके बिल पे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। जब कंपोजिशन डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसपे लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। जब कंपोजिशन डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई करेगा, बस हाँ एग्जेम्प्टेड है तो इनवॉइस है बस, और कोई दूसरा अंतर नहीं। क्लियर है? हो जाएगा? बोलो। आएंगे, आपको ध्यान देना होगा। तो या मैंने दोनों में डिफरेंस बताया और कब कब कौन इनवॉइस इशू होता है वक्त देखो। अब चलो और भी अच्छे से हम एग्जाम्पल के तौर